बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम क्लास। टुडे वी विल लर्न अबाउट द जूनेटिक डिजीज। इन दिस टॉपिक वी विल लर्न अबाउट द टुलरेमिया डिजीज विच इज कास्ट बाय द बैक्टीरिया। द अदर जूनेटिक डिजीजेस लाइक रेबीज, हंटावायरस एंड हिस्टोप्लाज्मोलिसिस आर ऑलरेडी डिस्कस इन द प्रीवियस लेक्चर्स। Here is some introduction of this topic. Zoonotic infection caused by bacteria Francisella tularensis, and the Francisella tularensis is a gram-negative aerob bacteria. This condition of the tularemia is also known as the Francis disease, rabbit fever, or deer fly fever, and other names as well. जूनेटिक इन्फेक्शन जो हैं वो काज करते हैं बैक्टीरिया फ्रेंसिसेला टोलरेंसिस, और फ्रेंसिसेला टोलरेंसिस जो है वो ग्रैम नेगेटिव एरोब बैक्टीरिया है। इसको हम फ्रेंसिस डिजीज़ यानी रैबिट फीवर या डियर फ्लाई फीवर या अदर कुछ नेम्स भी हैं जिनके नाम से ये डिजीज जो हैं वो जानी जाती हैं। हियर इज़ द ट्रांसमिशन ऑफ दिस डिजीज। इट इज़ अ वेरी क्लोज कॉन्टैक्ट विद द इन्फेक्टेड एनिमल्स लाइक रैबिट्स। Rabbits and rodent act as a reservoir for this bacteria, and the tick mites, animals bites, and exposure to dead animals are the basic major factors for the transmission of these diseases. Here is some risk factor for this disease. Certain occupations like vegetarians and farmers, hunters, meat handlers, and landscapers are the major risk factor for transfer this disease. And second risk factor is the eating an uncooked and undercooked wild meat. And the third risk factor is camping, which is major fact for transfer this diseases. ट्रांसमिशन जो है बहुत ज़्यादा एनिमल्स जो हैं इन्फेक्टेड एनिमल्स हैं जैसे कि रैबिट है, इनके साथ बहुत क्लोज कॉन्टैक्ट अगर आपका हो जाए या फिर बहुत रैबिट्स हैं अदर रूडेंट्स हैं उनके जो कि बैक्टीरिया रिजर्वर्स होते हैं इनके साथ क्लोज कॉन्टैक्ट अगर आपका हो जाएगा तो ये डिजीज़ जो है वो ईजीली ट्रांसफ़र हो जाएगी। या फिर टिक माइट्स की वजह से या एनिमल्स की बाइट्स की वजह से अगर एनिमल्स आपको बाइट कर ले उसकी वजह से भी डिजीज़ के ट्रांसफ़र होने के चांसेस हो जाते हैं। एक्सपोजर थर्ड वन फोर्थ वन इज़ एक्सपोजर टू डेड एनिमल्स। अगर कोई डेड एनिमल्स है उसके साथ आपको एक्सपोजर हो जाए तो जिसकी वजह से भी ये क्या है डिजीज़ जो है वो ट्रांसफ़र हो सकती है। कुछ रिस्क फैक्टर्स हैं एंड सर्टेन ऑक्यूपेशंस लाइक वेजिटेरियंस, फार्मर्स, हंटर्स एंड मीट हैंडलर्स, ये वो ऑक्यूपेशंस हैं जिन जो कि बहुत ज़्यादा डिजीज़ को कास करते हैं में कास करने में की वजह वो जो वजह बनते हैं। फार्मर्स जो हैं वो उनका क्लोज कॉन्टैक्ट ज़्यादा होता है, हंटर्स का ज़्यादा होता है या मीट हैंडलर का ज़्यादा होता है जिसकी वजह से ये डिजीज़ जो है वो ज़्यादा फैलने के वजह बनेगी। इसी तरह अगर कोई ईट जो है वो अगर हम अनकुक्ड कर रहे हैं या फिर उसे बेहतर तरीके से पकाया नहीं गया तो भी ये डिजीज़ जो है वो ट्रांसफ़र हो सकती है, या फिर जो है वो कैंपिंग के थ्रू भी ये डिजीज़ ट्रांसफ़र हो सकती है। Here is the tularemia pathophysiology. It is a highly virulent. Only 10 to 50 bacterium needed to cause illness, infections, and it is a facultative intracellular bacterium. सिर्फ 10 से 50 bacterium जो है वो needed होते हैं इस disease की illness के लिए या इस infection से cause करने के लिए only 10 to 15 bacterium ही काफ़ी होते हैं। और ये फैकल्टेटिव इंट्रासेलुलर बैक्टीरियम है। इट काज इट इनफेक्ट मैक्रोफेजेस। एक्चुअली मैक्रोफेजेस आर द फैगोसाइटोसिस। मैक्रोफेजेस फैगोसाइट्स बाय द बैक्टीरिया एंड इट इज़ द बैक्टीरिया रेप्लिकेट इन द मैक्रोफेजेस एंड न्यूट्रोफिल्स एंड द रेप्लिकेशन विदिन दीज सेल्स लीड टू सेल लाइसिस एंड बैक्टीरियल रिलीज। जो बैक्टीरिया जो है वो रेप्लिकेट करेगा मैक्रोफेजेस के अंदर और न्यूट्रोफिल्स के अंदर।
जैसे ही रेप्लिकेशन सेल के अंदर होगी तो वो लीड करेगी सेल लाइसिस को, जैसे ही सेल लाइसिस होगी तो बैक्टीरिया जो है वहाँ से रिलीज हो जाएगा, जैसे बैक्टीरिया रिलीज होगा तो इस डिजीज़ के ट्रांसफ़र होने के चांसेस और बढ़ जाएंगे। एंड हियर इज द सम क्लिनिकल प्रेजेंटेशन ऑफ दिस डिजीज। इट इज़ अ वाइड स्पेक्ट्रम ऑफ साइंस एंड सिम्टम्स। हियर इज सम here is some symptoms that shows the this disease is asymptomatic to a specific shock and death. Varied symptoms may be due to different bacterial subspecies. बहुत सारी जो symptoms जो हैं वो vary करती हैं इस bacterial subspecies की वजह से। इसकी बहुत सारी species हैं, सब स्पीशीज हैं जिसकी वजह से bacteria की जो symptoms हैं वो vary कर सकती हैं। सिम्टम्स ऑनसेट अकर्स अब्रप्टली एंड इट्स इंक्यूबेशन पीरियड इज 3 to 5 days एंड इट इज़ अ नॉन स्पेसिफिक एंड इट इज़ अ सिस्टमैटिक। सिस्टमैटिक मीन फीवर, चील्स, मिलेस एंड फटीग लाइक सिम्टम्स आर शो ड्यूरिंग दिस डिजीज ऑफ टुलरेमिया। Here is some 6 forms of tularemia. These forms causing the disease of tularemia. The 6 forms of tularemia are shows here. Number 1 is ulceroglandular, and second is glandular, and third is oculoglandular, and fourth is parenchyal, and fifth is pneumonic, and sixth is typhoidal tularemia. In the ulceroglandular means ulcer and glandular means glands. Ulcero means ulcer and glandular means glands. Most common form skin lesions and lymphadenopathy and fever, single erythromitous ulcer that is slightly raised with central areas of escar at sites of incolations, may see subcutaneous nodules and tender regional lymphadenopathy. It is caused major factors for the and the major presentation for this disease of tularemia. यहाँ पर आपको कुछ पिक्चर्स दिखाई गई हैं स्किन लेशंस की, अल्सर्स की एंड फीवर की, जो कि मेजर वजह बनते हैं इसके, अल्सर ग्लैंडुलर की, अल्सेरोग्लैंडुलर की, ग्लैंड्स आर इन्वॉल्व इन दिस डिजीज एंड दिस प्रेजेंटेशन एंड द मे से सी सबक्यूटेनियस नोड्यूल्स एंड टेंडर रीजनल लिम्फेनोपैथी सर्वाइकल और ओसीपीटल। इट कैन बिकम सुपरएक्टिव ग्लैंडुलर, ग्लैंडुलर मीन ग्लैंड्स आर इन्वॉल्व। सेकेंड मोस्ट फॉर्म ऑफ दिस प्रेजेंटेशन ऑफ क्लिनिकल प्रेजेंटेशन एंड इट इज टेंडर रीजनल लिम्फेनोपैथी मे बी सुपरएक्टिव एंड नॉन आइडेंटिफाई स्किन अल्सर। इसमें जो है रीजनल लिम्फेनोपैथी होती है और ये सुपरएक्टिव है और इसमें स्किन अल्सर जो है वो आइडेंटिफाइबल नहीं है। बट अल्सेरोग्लैंडुलर में जो है टेंडर रीजनल लिम्फेनोपैथी होती है और ये सुपरेटिव होती है और स्किन अल्सर जो है वो आइडेंटिफाइबल होता है। हियर इज सम थर्ड क्लिनिकल प्रेजेंटेशन ओकुलर ग्लैंडुलर समथिंग टू डू द आई। Infection of the conjunctiva, rubbing the eyes, aerosols, etc. Unilateral eye symptoms like pain, photophobia. Photophobia is a sensitivity, it means sensitivity to light and increased tearing. In this picture you can see the
साइन ऑफ टेरिंग एंड आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि कैसे वो जो है यूनिलेटरल आई सिम्टम्स दिखाई गई हैं कि फोटोफोबिया जो है वो लाइट सेंसिटिव होता है और इंक्रीज कर देता है टेरिंग के अमल को. टेंडर रीजनल लिम्फेनोपैथी प्री ओरिकुलर एंड पोस्ट ओरिकुलर एंड सर्वाइकल एंड कॉर्नियल अल्सरेशन. कॉर्निया अल्सरेशन मीन कॉर्निया कॉर्निया के अंदर जो है वो अल्सरेशन जो अल्सर जो है वो पास होना शुरू हो जाता है. फेरेंशियल एंड द फोर्थ क्लिनिकल प्रेजेंटेशन इज द फेरेंशियल. इट इज अ डायरेक्ट इंजेक्शन ऑफ बैक्टीरिया कंटेमिनेटेड फूड ड्रिंक्स and mouth and throat involved, fever, sore throat, neck swelling, and exudative pharyngitis. In exudative mean exudate, and pharyngitis mean friends mean throat, and jitis mean inflammation. Pharyngitis mean inflammation of the throat, and exudative mean exudate, and pharyngitis mean inflammation of the throat. And cervical lymphadenopathy and pharyngeal tonsillar and tonsillar ulcer. Pharyngeal में direct bacteria जो है वो उसकी direct ingestion की वजह से आपको या जो अपने contaminated food जो है bacteria की वजह से वो contaminate हो चुकी है उसको आप direct ingestion अगर खाएंगे तो उसके through भी जो है ये disease cause हो सकती है direct ingestion से भी. इसी तरह जो माउथ या थ्रोट जो है वो भी इस डिजीज़ के काज होने की वजह बनते हैं. और फीवर हो सकता है आपको थ्रोट एंड नेक स्वेलिंग हो सकती है जैसे आपको यहाँ पे एक्सुडेटिव फेरेंजाइटिस दिखाया गया है. आपको जो गले की थ्रोट की इन्फ्लेमेशन है वो दिखाया गया है. सर्वाइकल लिम्फेनोपैथी है एंड फेरेंजियल टॉन्सिलर एंड अल्सर्स हैं. एंड द फिफ्थ वन क्लिनिकल प्रेजेंटेशन इज न्यूमोनिक प्राइमरी एंड सेकेंडरी न्यूमोनिक. इन दिस इन द प्राइमरी न्यूमोनिक बैक्टीरिया व्हेन बैक्टीरिया एंटर्स योर लंग्स डायरेक्टली इट काज सम डिजीजेस लाइक टुलरीमिया. इन प्राइमरी ब्रीथ इन बैक्टीरिया डायरेक्टली इन टू द लंग्स. फॉर एग्जाम्पल फार्मर्स एंड लैब वर्कर्स एंड शीप शेयरर्स. मतलब आपके जो बैक्टीरिया जो है जो अगर वो फार्मर्स हैं या फिर वो लैब वर्कर्स हैं अगर वो उनके अंदर जो है जैसे वो सांस लेंगे तो बैक्टीरिया जो है उनके लंग्स के अंदर डायरेक्टली वो जा सकता है. सांस के थ्रू वो उनके लंग्स के अंदर जाएगा एंड कुछ सिम्टम्स जो हैं ये वो शो करेगा लाइक फीवर्स एंड कफ मिलेज एंड मायलेजाइस. इट मीन्स सम प्रॉब्लम्स ऑफ मसल्स एंड प्लमोनरी इन्फ्लेरेट्स एंड लेबर कंसोलिडेशंस प्लूरल एफ्यूजन्स एंड फाइलर एनोपैथी. एंड सेकेंडरी न्यूमैनिक क्लिनिकल प्रेजेंटेशन इज इन्फेक्टेड इन अदर एरिया बट स्प्रेड हिमेटोजेंसली टू द लंग्स एंड द बायलेटरल लेटरल लोअर लोब इन्वॉल्वमेंट. इसमें जो है प्राइमरी में उसमें डायरेक्ट जो फार्मर्स थे या लैब वर्कर्स थे या फिर वो शीप शेयरर्स थे जैसे वो सांस लेंगे तो वो उनके जो बैक्टीरिया जो है वो डायरेक्ट उनकी लंग्स के अंदर जाएगा और जो सिम्टम्स शो करेगा वो फीवर हो सकते हैं आपको माइलेज हो सकते हैं कफ हो सकती हैं या पल्मोनरी इन्फिलेरेट्स हो सकता है या फिर वो प्लूरल इन्फ्यूजन हो सकता है. इसी तरह सेकेंडरी के अंदर जो है वो हेमाटोजेंसली स्प्रेड होगा लंग्स के अंदर और बायलेटरल लोअर लूब इन्वॉल्वमेंट हो सकती है. इसके अलावा जो है वो स्किन फाइंडिंग हो सकती है लाइक एरिथ्रीमा नोडोसम इज अ वेरी कॉमन न्यूमैनिक प्रेजेंटेशन. एंड द ट्यूफाइड एंड द सिक्स क्लिनिकल प्रेजेंटेशन इज ट्यूफाइडल. इट शो सम सिस्टमैटिक फिब्रल इलनेस लाइक फीवर चिल मिलेस एंड दे डू नॉट हैव रीजनल लिम्फेनो.
टेलीपैथी इट it shows some symptoms, fever, chills, anorexia, so they have very low appetite, headache, myalgia, sore throat, it means the problems of some muscles, and sore throat, cough, abdominal pain, and diarrhea. ये वो कुछ सिम्टम्स हैं जो कि जैसे फीवर्स हैं या फिर एनोरेक्सिया है, आपको लॉस ऑफ एपेटाइट है या फिर हेडेक है, मसल्स प्रॉब्लम्स हैं, ये थ्रोट सोर थ्रोट या आपको कफ या एब्डोमिनल पेन्स या डायरिया हो रहा है, तो वो शो करेगा कि आपको जो डिजीज़ जो है वो टुलरेमिया की हो सकती है. इट एंड इट डिफ्यूज एब्डोमिनल टेंडरनेस. If any of all of these presentations are not treated properly and they left untreated individuals with these conditions and have chronic fever and recurrent fever, fatigue, anorexia, weight loss and weakness, and these are the long-standing fatigues. And anorexia is a low appetite and weakness, so that these symptoms last long time if these conditions are not treated. Here is some diagnosis and treatment of this disease. The diagnosis is septic based on symptomology. जिस तरह के आपको symptoms शो होंगे लाइक फीवर, चिल, मिलेस, जिस तरह की कफ, डायरिया, जिस तरह के आपको सिम्टम्स जो होंगे उसके लिहाज से आपको डायग्नोसिस जो है वो आपकी की जाएगी, डायग्नोसिस को उसके लिहाज से किया जाएगा. एंड सीरोलॉजी इट्स द पॉजिटिव एंटीबॉडी टाइटर्स टू फ्रेंसेला टुलरेंसिस एंड द कल्चर बैक्टीरिया इज वेरी डिफिकल्ट टू कल्चर, सो दिस मे नॉट बी अ गुड टेस्ट टू यूज. जो कल्चर जो है उसमें बैक्टीरिया जो है उसको कल्चर करना काफ़ी डिफ़िकल्ट है, इसलिए इसको एक अच्छे टेस्ट के तौर पर इस्तेमाल कल्चर को नहीं किया जाता. PCR पॉलीमरेज चेन रिएक्शन इट इज़ अ न्यू टेस्ट, इट इज़ अ वेरी बेनिफिशियल टेस्ट फॉर डायग्नोसिस एंड फॉर डायग्नोसिस द डिजीज ऑफ टुलरेमिया. PCR जो है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन जो है वो एक न्यू टेस्ट है और अच्छा है और इसकी डिजीज़ के लिए बहुत फ़ायदेमंद है. And the treatment involves using streptomycin, gentamicin, and fluoroquinolones and tetracyclines. These are the treatment involves these are the antibiotics which are used to treat the tularemia disease. The antibiotics like streptomycin and gentamicin and tetracyclines, these are the antibiotics to treat this disease of tularemia. Here is some references of this topic, and now thank you and Allah Hafiz.